कोलकाता कांड पर राजनीति जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद ही प्रोटेस्ट मार्च निकाल लिया। ममता बनर्जी ने यह मार्च निर्भया कांड में दोषी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर निकाला। बंगाल में हुई हिंसा को बीजेपी और लेफ्ट से जोड़ दिया। ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट मार्च और बयान पर घमासान छिड़ गया है। বাংলায় অশান্তি করতে চান বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। कोलकाता रेप कांड को लेकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए हंगामे के बाद ममता बनर्जी की ये पहली प्रतिक्रिया थी। ममता ने डॉक्टर बेटी के रेप और मर्डर के बाद भड़की हिंसा को राम और वाम से जोड़ दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में जो हिंसा हुई उसके पीछे बीजेपी और लेफ्ट जैसी पार्टियों की राजनीतिक साजिश थी। ममता के इस बयान के बाद बीजेपी ने उन पर तीखा प्रहार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी ने भगवान राम के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बंगाल में अन्याय रूपी रावण, ताड़का और शूर्पनखा का वध होना तय है। वहीं संत समाज ने भी ममता के इस बयान पर नाराजगी जताई है। छात्र छात्री को दोष दिच्छि ना, बहिरागत किछु राजनैतिक लोक जारा বাংলায় অশান্তি করতে চান বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগছে কি জানেন, বাংলায় মে অন্যায় রূপী রাবণ, তারিকা, সুপনেখা কা বধ হোনা তয় হ্যায়। রাম সদ্ভাব কে প্রতীক হ্যায়। আপ মাটি আর মানুষ ভুল চুকি হ্যায়। ममता बनर्जी ने बंगाल में हुई जिस हिंसा को बीजेपी और लेफ्ट से जोड़ा, जिसके लिए वो भगवान राम के नाम को भी विवादों में डालने से पीछे नहीं हटी, उस हिंसा को लेकर अब वो खुद सवालों में हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियां खुलकर यह आरोप लगा रही हैं कि आरजी मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ करने वाले टीएमसी के गुंडे थे। ममता बनर्जी अपने सियासी फायदे के लिए आरोपियों और पुलिस के गठजोड़ पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। ममता विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन सवालों में घिरी ममता बनर्जी सवालों के जवाब सवालों से ही दे रही हैं। ये ममता बनर्जी का इंसाफ है? वो ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग कर रहे डॉक्टरों को दंगाई बता देती हैं, ये कह देती हैं कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है। रेप और मर्डर की घटना को सुसाइड बताने वाली पश्चिम बंगाल की पुलिस के लिए एक शब्द नहीं बोलती, उल्टा उसे बेस्ट पुलिस बताती है। और जिन ममता बनर्जी पर मुख्यमंत्री होने के नाते पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, गृह विभाग खुद ममता बनर्जी के पास होने के नाते उन पर प्रदेश की कानून व्यवस्था की भी जिम्मेदारी है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आरोपियों को कौन बचा रहा है, क्यों इतने दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस मामले की तह तक नहीं पहुंच पाई, तो वो धरने पर बैठने पद यात्रा निकालने लगती है। बड़ी बात यह है कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत को लेकर अब देश भर से आवाजें उठ रही हैं। बॉलीवुड के कई कलाकारों ने भी डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग की है और कोलकाता रेप कांड को लेकर नाराजगी जताई, लेकिन टीएमसी के नेताओं को इसके पीछे भी साजिश का एंगल दिखाई देता है। सवाल